दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में, चैनल जो कि टोटली डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने और समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे वीडियोज अगर अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेयर करें अपने, और जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डानो के बारे में, और कार्डानो एक अंडररेटेड क्रिप्टो करेंसी की तरह बिहेव कर रहा है। काफ़ी नीचे है उसका प्राइस, अपने टॉप से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और यहाँ पर आज हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो 1.986 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं 44,000 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि 44,000 में जिस तरह से पिछली बार प्राइस को रिजेक्शन मिला था, उसी तरह से प्राइस अभी 44,000 के एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन का। तो वहाँ पर जब तक वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं होता, जब तक के प्राइस ऊपर निकलना मुश्किल है। यहाँ पर कार्डानो की बात करते हैं, तो कार्डानो के बारे में सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी रैंक को देखेंगे तो 7th रैंक पर है, यानी एक मजबूत क्रिप्टो टोकन है और काफ़ी पहले से है। लगभग 2017 में ये लॉन्च हुआ था और वहाँ से अभी तक इसने अच्छा खासा राइज दिया है, और इधर काफ़ी दिनों से डाउन है। और अभी हम प्राइस को देखेंगे तो लगभग 1.10 कि जैसे हम देखेंगे कॉइन टेलीग्राफ पर तो देखेंगे, पुरानी न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ नहीं है, 3 जनवरी 2022 की ये न्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कार्डानो बिकम द मोस्ट डेवलप्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऑन गिटहब इन 2021। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मकसद ये है कि देखो, इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो में आपको ऐसे रफली तौर पर बताया था कि क्रिप्टो करेंसी में देखा जाए अगर तो सबसे डेवलपमेंट जिस क्रिप्टोकरेंसी में हुआ 2021 में, वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कार्डानो में। मतलब देखिए, जो कोई भी प्रोजेक्ट पे आप जब इन्वेस्ट करते हो तो सीधी सी बात होती है कि उसके पीछे टीम कैसा वर्क कर रही है, उसको डेवलप कर रही है नहीं कर रही है, उसके पीछे वर्क हो रहा है या बस ऐसे ही वहाँ पर सब कुछ छूटा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कार्डानो में लगातार टीम वर्क कर रही है। देखते हैं और कार्डानो की बात करते हैं वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक डिप में था, ठीक है। मार्केट जब 2018 में डाउन आई थी तो उसके बाद ये लगातार डिप बनाता चला गया, और एक वक्त इसका प्राइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 0.017450 सेंट था जो इसका लो बना था, और हो भी एक्सचेंज का चार्ट है ये। और यहाँ पर उसके बाद इसमें प्राइस में एक राइज मिला, एक हाई लगा, और प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला गया, और ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लगभग $3 से भी ज़्यादा का हाई इसने लगाया। वहाँ से मार्केट में एक बेयरिश सिम्टम जनरेट हुआ और मार्केट वहाँ से लगातार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक बॉटम एरिया पर आ गई है लगभग। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक जो सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं इसको, कि इस तरह के एक सपोर्ट एरिया पर मार्केट आ गई है। और अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता तो प्राइस और नीचे जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो प्राइस में अच्छी खासी एक गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 70% अपने टॉप से नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें इस टॉप से अगर हम मानेंगे तो 70% डाउन में हमें देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट से राइज हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो छोटी छोटी कैंडल इस सपोर्ट पर लगातार ट्रेड कर रही हैं, लगभग 1, 2, 3 ये चौथी कैंडल बन रही है। इससे पहले एक बड़ी कैंडल बनी थी जो इस सपोर्ट तक प्राइस आया था, और मैंने एक दो वीडियो में पहले भी आपको इस सपोर्ट का जिक्र किया था कि प्राइस टूटेगा तो इस सपोर्ट तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, ध्यान से देखते हैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम करके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया पर ट्रेड करता दिख रहा है। यहाँ से इसमें एक स्पाइक लग सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर RSI को भी हम देखेंगे तो 40 पर RSI यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, और यहाँ पर लगातार एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है RSI। और जिस तरह से दो मैं RSI पे बताता हूँ कि 40 पे अगर जैसे ऊपर से मार्केट गिरती है और 40 आकर सपोर्ट लेती है, तो वो वहाँ पर ये बोला जाता है कि ये एक बॉटम एरिया इसका बन सकता है, ठीक है। बस ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट देखो यहाँ पर जिस तरीके की निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की, उस तरीके की अगर कोई वॉर वगैरह चल जाती है तो मार्केट में पैनिक आएगा, थोड़ा बहुत मार्केट गिर भी सकती है और इकोनॉमी डाउन भी आ सकती है सारी मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एज पर चार्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो वीकली RSI जब भी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 60 तक गई, नीचे आ गई, 40 पर आकर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो 40 से हम देखेंगे तो इस 40 सपोर्ट पर यहाँ पर ये सपोर्ट बना और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा राइज, और अब फिलहाल यहाँ पर 40 का सपोर्ट ले रही है,
तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है और अगर ये 40 का एरिया ब्रेक होता है RSI पर, तो ये नीचे भी आ सकता है। 200 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसको यहाँ पर मिलेगा लगभग 48 सेंट पर या 50 सेंट पर। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट होनी चाहिए क्योंकि ये पिट चुका है अपने टॉप से लगभग 70%। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ से अच्छा खासा हमें राइज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करेंगे कि जिस तरह से इसमें डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा डेवलप करेंसी 2021 की क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर फंडामेंटली या टेक्निकली देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है ये प्रोजेक्ट अभी। क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक बॉटम एरिया पर है और फंडामेंटली अगर बात करेंगे तो 2021 में इसने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किए। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक जाना समझा प्रोजेक्ट है, एक अच्छी ताकत रखता है ऊपर जाने की। तो मैं भी अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, तो हमें ये ज़रूर $10 तक जाता दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सिंपल सी अपडेट थी और वीडियो कंक्लूजन यही है कि जिनके पास भी कार्डानो होल्ड है, होल्ड करके रखो। ये समझ लो कि आपने एक अच्छी चीज़ को होल्ड करके रखा है, एक ताकतवर चीज़ को होल्ड करके रखा है। जब तक यहाँ पर डाउन है, देखो यही होता है मार्केट में कि जब कोई चीज़ डाउन होती है, अगर हम देखेंगे इसको पीछे से, तो देखो ये जब इतने लंबे टाइम डाउन ही डाउन रहा, तो किसने सोचा था कितना लंबा राइज मारेगा और लगभग 0.17 सेंट से ये गया $3, $3.5 तक चला गया और उसके बाद अभी अगर नीचे आया है तो यहाँ से ऊपर जाने की कुव्वत रखता है। बिटकॉइन को, इथेरियम को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप उठा के देखो तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर कार्डानो को लेकर मैंने जो एक बड़ी खबर दी अभी जनवरी के महीने में, हालांकि पुरानी खबर है, नई खबर नहीं है वो, लेकिन वहाँ पर उसकी बात नहीं हुई थी तो यहाँ पर मैंने आज उसकी बात भी कर दी और साथ साथ यहाँ पर आपको प्राइस की अपडेट भी दे दी। तो यहाँ पर किसी को भी बाई या सेल करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। जो हमारे वीडियोज़ होते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से होते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें अपने रिस्क पर, अपनी रिसर्च करने के बाद, और उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो एक अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है। टाइम टू टाइम इसी तरीके की क्रिप्टो करेंसी आपके लिए लाता रहूँगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मुझको इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ। जब तक जय हिंद, जय भारत।